इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंगलिस का अनदर ऑपरेशन डेट इज डिलीशन। डिलीशन लिंगलिस में हम तीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, डिलीट फर्स्ट नोट, हमें फर्स्ट नोट को डिलीट करना है। सेकंड, डिलीट लास्ट नोट, एक लास्ट नोट को डिलीट करना है। या थर्ड, डिलीट पर्टिकुलर नोट, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर नोट को डिलीट करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट नोट हो और ज़रूरी नहीं कि वो लास्ट नोट। तो तीन केस बनते हैं हम डिलीट, जब भी हम डिलीट करेंगे तीनों में से कोई भी, चाहे फर्स्ट नोट, लास्ट नोट या पर्टिकुलर नोट, तो हमें तीन केस डिस्कस करने होते हैं डिलीशन के टाइम पे। फर्स्ट, हमारी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं। क्यों चेक करते हैं इसको? अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो हम कौन सा नोट डिलीट करें? तो नोट होगा ही नहीं, नोट होगा ही नहीं तो कोई भी नोट डिलीट नहीं होगा, ये पहला केस होगा। सेकेंड केस होगा, लिस्ट कंटेन्स ओनली वन नोट। और केस थ्री जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, कि लिस्ट कंटेन्स मोर देन वन नोट। वन बाय वन देखते हैं। पहले हमने कहा लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट इज एम्प्टी मीन्स जो आपका स्टार्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? नल को। ये वाला केस होगा। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा स्टार्ट, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल है, स्टार्ट इक्वल टू नल है मीन्स कोई नोड आपके पास डिलीट करने को है नहीं, तो ऐसी केस को हम बोलते हैं अंडरफ्लो। कहेंगे लिस्ट क्या है? अंडरफ्लो। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो कंडीशन फॉर अ लिंक लिस्ट। ओवरफ्लो हमने इंसर्शन में देखी थी, तो ओवरफ्लो क्या थी? अगर न्यू जो जिसको आप मेलॉक कर रहे हो वो नल है तो ओवरफ्लो है। ऐसे ही अगर आपका स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? नल को, तो ये कंडीशन हो गई अंडरफ्लो। और हम जहाँ पे भी होंगे वहाँ से हो जाएंगे एग्जिट। आपने कहा अगर स्टार्ट नल पे है तो अंडरफ्लो है और एग्जिट ज़ीरो। सेकेंड केस है, लिस्ट कंटेन्स ओनली वन नोट, मीन्स आपकी जो लिस्ट है उस तरह से है, उसमें एक नोट है, उसकी इंफॉर्मेशन 10 है और उसका नेक्स्ट क्या है? नल है और स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एक ही नोट है, तो स्टार्ट उस नोट को क्या करेगा? पॉइंट करेगा। तो देखो, अगर एक ही नोट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये केस? अगर आपके पास एक ही नोट है वो भी आपने डिलीट कर दिया, तो लिंक लिस्ट की अब करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, कि लिस्ट क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी। तो मीन्स आपको जो ये स्टार्ट है अब ये किसको पॉइंट करने लगेगा? अभी ये फर्स्ट नोट को पॉइंट कर रहा था, अब स्टार्ट किसको पॉइंट करने लगेगा? नल को। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर एक ही नोड है, अगर आप उसको डिलीट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट फिर से क्या हो जाएगा? नल पे, यानी कि लिस्ट क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी। तो कैसे चेक करेंगे? एक ही नोड है, अगर एक ही नोड है तो यहाँ पे इसको, उसका नाम क्या होगा? स्टार्ट। तो आप चेक कर लें, इफ स्टार्ट का नेक्स्ट इक्वल टू, ये बता रहा है कि आपके पास एक ही नोड है, तो आपको करना क्या है? स्टार्ट को कर देना है। और अगर आपको पहले, आप क्या करो, पी में आप ले लो स्टार्ट, एक पॉइंटर लेंगे पी, वो स्टार्ट को पॉइंट कर रहा होगा। क्यों, पी क्यों ले रहा हूँ मैं? यहाँ पे जो मैं ये पॉइंटर पी ले रहा हूँ, इसमें मैं वो उस नोट की इन्फॉर्मेशन रखूँ, उस नोट का एड्रेस रखूँगा जिसको मुझे डिलीट करना है। अगर मुझे फर्स्ट नोट को डिलीट करना है तो पी कहाँ पे होगा? स्टार्ट पे होगा। तो अब क्या करो, आपने स्टार्ट को चेंज कर दिया और पी को क्या कर दो? फ्री कर दो। फ्री मीन्स पी मेमोरी से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला नोट इस तरह से हमारा डिलीट हो जाएगा। थर्ड केस है कि लिस्ट कंटेन्स मोर देन वन नोट, मीन्स ये लिस्ट है, इस तरह की वो लिस्ट है हमारी, इसमें एक से ज़्यादा नोट है, मान लीजिए तीन नोट है, इन्फॉर्मेशन 10, 20 एंड 30। यहाँ पे क्या, इस नोट का नाम क्या है? स्टार्ट। इसी को मुझे क्या करना है? डिलीट करना है। तो आप फ्री स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट पॉइंटर डिलीट हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंटर को डिलीट नहीं करना। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले
को डिलीट करना है उसको, उसको असाइन कर दो पी को, इसको डिलीट करना है स्टार्ट को, आपने पी को कहाँ रख दिया, स्टार्ट, इसका नाम पहले पी था, अब इसका नाम पी के अलावा, स्टार्ट के अलावा एक और नाम है, डेट इज़ पी। सिंपली बात है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँगा, फर्स्ट नोट को मैं डिलीट करूँगा, तो मेरा सेकेंड नोट अब क्या बन जाएगा, फर्स्ट नोट बन जाएगा, क्योंकि ये नोट अगर डिलीट होगा तो जो इसका नेक्स्ट नोट है, ठीक है, यानी सेकेंड जो नोट है, स्टार्ट को आप क्या कर दो, यहाँ पे अपडेट कर दो। सिंपल आपको क्या करना है, स्टार्ट को अपडेट कर, ठीक है, ये एल्स वाली कंडीशन। और किसका एल्स है, इफ स्टार्ट का नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल, देखें स्टार्ट का नेक्स्ट यहाँ पे नल नहीं है, स्टार्ट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नोट को, उसकी एल्स कंडीशन है। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने स्टार्ट को अपडेट कर देना है, स्टार्ट को कहाँ रख देना है, स्टार्ट के नेक्स्ट। तो अब आपका लिंक लिस्ट का पहला नोट हो जाएगा जिसकी इन्फॉर्मेशन है 20, और ये जो नोट था जिसकी इन्फॉर्मेशन थी 10, ये आपका किस में है, फ्री में, पी को क्या कर दो फ्री। तो ये कॉन्सेप्ट है कैसे आप फर्स्ट नोट को डिलीट करेंगे लिंक लिस्ट का। तीन केस आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, फर्स्ट केस लिस्ट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो प्रिंट कराएं, अगर एक वो कंटेन्स ओनली वन नोट तो पहले स्टार्ट वाले नोट को पी में रखें, चेक करें स्टार्ट का नेक्स्ट अगर नल है तो उसका मतलब एक ही नोट है, तो स्टार्ट, क्योंकि अब स्टार्ट जो नोट है वो डिलीट होगा, तो स्टार्ट लिस्ट क्या हो जाएगी, एम्प्टी, स्टार्ट को कहाँ रख दें, नल पे, और पी को फ्री कर दें। अगर लिस्ट कंटेन्स मोर देन वन नोट्स है तो पी को रखें स्टार्ट पे, क्योंकि इस पी को डिलीट करना है, स्टार्ट की इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट होगी, पी वहीं पे रहेगा। तो सिंपली क्या करना है, स्टार्ट को आपको अब नेक्स्ट नोट पे बना देना है, तो स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट, और पी को क्या करना है, फ्री करना है। अब देखते हैं इसके एल्गोरिदम, एल को कैसे लिखेंगे, नाम दिया डिलीट फर्स्ट, डिलीट फर्स्ट नोट, पहला काम क्या करा हमने, सबसे पहले पी को आपने रख दिया स्टार्ट, पी मीन्स इसको आपको डिलीट कर। लेकिन क्या चेक करा हमने, हमने चेक करा अंडरफ्लो, अंडरफ्लो मीन्स स्टार्ट कहाँ पर है, स्टार्ट कहाँ पे है, नल पे, तो आपने राइट कर दिया अंडरफ्लो, देन राइट अंडरफ्लो, और यहाँ से क्या हो गए, एक्सेप्ट। अगर एम्प्टी नहीं है तो हमने चेक करा एक ही तो नहीं है, एक ही का मींस अगर लिंक ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट का नेक्स्ट, स्टार्ट का नेक्स्ट एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, लिंक ऑफ स्टार्ट, अगर लिंक ऑफ स्टार्ट अगर आपका है नल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को चेंज कर देंगे, स्टार्ट कहाँ पे आ जाएगा, नल पे, लिस्ट सब नोट डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा तो स्टार्ट अपडेट होके नल पे आ जाएगा, मींस लिस्ट एम्प्टी हो गई। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, एल्स, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली क्या करो आप, स्टार्ट को, स्टार्ट का नेक्स्ट, स्टार्ट का नेक्स्ट मींस स्टार्ट इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट, फोर्थ स्टेप में क्या करें, कि स्टार्टिंग नोट किस में है, पुराना स्टार्टिंग नोट पी में, पी को क्या कर दें, फ्री कर दें, और एल्गोरिथम एंड कर। ये थी एल्गोरिथम, डिस्कस करते हैं सी फंक्शन, सी में इसका फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, वॉइड कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, डिलीट फर्स्ट नोट, ठीक है, एक पॉइंटर लेना है मुझे पी, पी पॉइंटर में ले रहा हूँ जिस नोट को डिलीट करना है, ये एड्रेस को कंटेन कर, स्टक नोट पॉइंटिंग टू पी, पी को आप स्टार्ट में
सेट कर दो p इक्वल टू स्टार्ट, अंडर फ्लो कंडीशन चेक करो, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, तो आप प्रिंट कराएं अंडर फ्लो, प्रिंट एफ अंडर फ्लो, और यहाँ से क्या हो जाए प्रोग्राम फंक्शन एग्जिट। अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो, एक ही नोड तो नहीं है, एक ही नोड है मीन्स जो आपका स्टार्ट पॉइंटर है उसका नेक्स्ट क्या है, नल है। अगर ऐसा नल है वो नोड डिलीट होगा स्टार्ट नोड, तो स्टार्ट कहाँ वो अपडेट हो जाएगा नल पे, अदरवाइज सिंपली चेंज द स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए तो आपका जो जिसको आपको डिलीट करना था वो किस में था, पी में, पी को आप क्या कर दें। अगर आप देखना भी चाहते हैं कौन सा नोड आपने डिलीट किया है तो उससे पहले आप चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो, यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज डिलीटेड, वो क्या है तो डिलीट कर रहे हो किस में है, पी में, पी की ये भी आ जाएगा कौन सी चीज़ आपकी डिलीट हुई है। मान लीजिए अगर नोड आपकी ये थी 10 20, तो ये लिखा आ जाएगा 10 इज डिलीटेड, क्योंकि पहले स्टार्ट यहाँ पे था और पी भी यहाँ पे था। जब आपने इसको डिलीट किया तो स्टार्ट यहाँ से अपडेट होकर कहाँ पर आ गया है, सेकेंड नोड में, यहाँ पे एस हो गया है। तो जिसको आपने डिलीट किया वो एस की इन्फो नहीं है, वो किसकी इन्फो है, पी की इन्फो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।